मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारियों द्वारा इन दिनों हड़ताल की जा रही है। यह नजारा इंदौर के जनपद पंचायत ऑफिस का है, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी कर्मचारी एकजुट होकर हड़ताल को अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों की कई मांगे हैं, जिसके चलते हड़ताल कर रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 52,000 गांव एवं 313 जनपद एवं 52 जिला पंचायत है, जिसमें राज्य संवर्ग के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 18 घटक संगठनों के अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। इन लोगों की मांगे हैं कि ग्राम रोजगार सहायक एवं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण किया जाए। संविदा नीति में ग्राम रोजगार सहायक को शामिल करते हुए नियमित कर्मचारी के समकक्ष उसका वेतन किया जाए। इनके संगठनों की इस तरह की और भी कई मांगे हैं, जिसके चलते हड़ताल कर रहे हैं। हमारी अनार्थिक मांगे हैं, हमारी शासन से जो मांगे हैं, हमारी अनार्थिक मांगों के लिए हमारे पहली मांगे जो है हमारी इस 17 कर्मचारी संगठनों में संविदा को लेके है कि जो 2018 में संविदा नीति जो बनाई गई थी और संविदा नीति का जो आदेश हो चुके हैं उस नीति को लागू करवाना और संविदा जो कर्मचारी हमारे जो संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनको स्थायी अगर नियमित नहीं कर सकते हो तो आप स्थायी कर्मी का दर्जा दे दीजिए। हमारी जो मांगे हैं वो अनार्थिक रूप से है, नियमित करने में किसी प्रकार का कोई आर्थिक रूप से नुकसान नहीं होना है। जो वेतन मिल रहा है अभी हमको उससे भी कम 10% वेतन कम करते हुए हम लोगों को वहाँ पे नियमित कर दिया जाए उस वेतन मान पे। अभी हम लोगों का ये आज 22 तारीख से लेके हम लोग कंटिन्यू हड़ताल पे हैं। आज हमारा 11वां दिन हड़ताल का है। 11वां दिन के हड़ताल के बाद में भी अगर हमारी शासन मांगे नहीं मानती है तो अगले चरणबद्ध में हम लोग सामूहिक रूप से हमारे जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगला उग्र आंदोलन के लिए हम लोग तैयार होंगे इस चीज़ के लिए करने के लिए। आज का विरोध जो रहा है हमारा, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिलों के अंदर 313 जनपदों के अंदर सभी संयुक्त ग्रामीण विकास विभाग के सभी कर्मचारी लोगों ने आज मटकी फोड़ के शासन के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आज इन कर्मचारियों द्वारा धरना स्थल पर ही मटका फोड़ कर सरकार को जगाने की कोशिश की गई। इन लोगों की मांगे अगर नहीं मानी जाती तो संगठनों ने आगे और भी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों संगठन की अलग अलग मांगे हैं, लेकिन सभी अनार्थिक मांगे हैं। जैसे सचिव संगठन की मांग है कि उनके छठे वेतन मान की गणना ठीक नहीं की गई है, तो छठे वेतन मान की गणना पुरानी जिस तारीख से होना चाहिए थी उस तारीख से करते हुए और 7वां वेतन मान लागू किया जाए। इसी तरह GRS और उपेंद्री, इनकी मांगे हैं कि 15 से 20 साल से जो लोग संविदा प्रकार कर रहे हैं, शासन की महत्वपूर्ण मनरेगा योजना हो या शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शासन की कोई भी अन्य योजना हो, जब मैं पूरे तन मन धन से और 24 घंटे अपना समय देकर काम कर रहे हैं, इसके बावजूद उन लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा है। जबकि मांग यह रखी गई है कि अगर शासन पर पैसा नहीं है वो हमारी सैलरी ना बढ़ाए, लेकिन उसी सैलरी पर हम लोगों को नियमित कर दे जिसमें इसकी आर्थिक भार नहीं आएगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत के कर्मचारी हैं, जिला पंचायत के कर्मचारी हैं, इन सभी की एक ही मांग है कि एक तो शासन द्वारा जो अनैतिक दबाव डाला जाता है और इन कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिलती है, टेंशन बहुत है लेकिन पेंशन नहीं है, तो क्या अन्य कर्मचारियों की तरह जिला पंचायत और जनपद के कर्मचारी का शासन अंग नहीं है? आज विरोध स्वरूप आपने क्या किया? आज विरोध स्वरूप हम लोगों ने जिस तरह जब घर में कोई कमी हो जाती है तो कमी होने के बाद हम लोग मटका फोड़ते हैं, जो पुराने मटके उपयोग नहीं करते हैं, इसी तरह उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने मटकी फोड़ने का कार्यक्रम रखा था। इंदौर से एनके मीणा के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।